Kids, welcome to my channel Avian Glory. So today we learn about the person, place, animal or thing. Okay, let's start now. So what is today's chapter? Write person, animal, place or thing. Okay, तो इसमें हमें क्या बताना है, देखो फर्स्ट है पर्सन, ठीक है। पर्सन यानी क्या होता है, जिस भी फीमेल और मेल का नाम हो, जैसे सिया हो गया, सैम हो गया, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं, ठीक है। फिर है एनिमल, ठीक है, एनिमल यानी जानवर, ठीक है, जो भी जानवर होता है, जैसे कैट, डॉग, बफेलो, काउ, लायन, टाइगर, ओके, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एनिमल कहते हैं, ठीक है। एंड प्लेस यानी क्या होता है, स्थान, ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, ताजमहल हो गया, है ना, वो सब क्या है, प्लेस में आते हैं। एंड थिंक, थिंक यानी क्या होता है, वस्तु, कोई भी थिंक होती है, जैसे बकेट हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर, शार्पनर, बॉल, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, थिंक कहते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पे क्या लिखा है, और टेबल यानी कि एक जो टेबल है वो क्या है, एनिमल है, पर्सन है, प्लेस है, या फिर वो थिंक है। जो टेबल है वो क्या है, वो देख नहीं सकती, है ना, बोल सकते, तो वो क्या है, एक वस्तु है, वो एक थिंक है, तो हम यहाँ पे थिंक लिखेंगे, ओके, टी एच आई एन थिंक, ओके। और टेबल इज अ थिंक, जो टेबल है वो एक क्या है, एक वस्तु है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, ए रैट इज एन, तो इसमें तो आपको एन से आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर, इन सब में से वोवेल कौन सा है, एनिमल, सो जो रैट है वो क्या है, एक जानवर है, एक एनिमल है, ओके, हम यहाँ पे एनिमल लिखेंगे, ठीक है। A rat is an animal, okay? फिर देखो next, Sia is a, यानी जो Sia है वो एक लड़की का नाम है, ठीक है ना, तो वो क्या है, Sia एक एनिमल है, वो जानवर तो नहीं है ना, प्लेस है, वो एक स्थान है, नो, वो तो लड़की का नाम है, थिंक वो एक वस्तु है, नहीं वो तो एक लड़की का नाम है, वो एक पर्सन है ना, तो हम यहाँ पे पर्सन लिख देंगे, ओके, सिया इज अ पर्सन, ओके। फिर देखो नेक्स्ट, अ स्कूल इज ए, अब जो स्कूल है वो क्या है, एक पर्सन है, नहीं स्कूल चलती थोड़ी ना है, बोलती थोड़ी ना है ना, एनिमल है, नो स्कूल जानवर थोड़ी होते, उसमें तो हम पढ़ते हैं। फिर प्लेस, यस द स्कूल इज अ प्लेस, वो एक स्थान है जहाँ पे हम बच्चे लोग जाते हैं, और वो नहीं बोल सकती है, ठीक है, सो अ स्कूल इज अ प्लेस, ठीक है। प्लेस अ स्कूल इज अ प्लेस, ओके, जो स्कूल है वो क्या एक स्थान है, वो एक प्लेस है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, सैम इज ए, जो सैम है वो एक लड़की का नाम है, ठीक है, तो जो सैम वो क्या है, एनिमल तो है ही नहीं, प्लेस तो एक स्थान है, नो वो स्थान पे जा सकता है लेकिन वो स्थान नहीं है, थिंक वो थिंक है, कोई भी खेलने वाली और अदर्स, नो अ सैम इज अ पर्सन, ओके, तो हम यहाँ पे पर्सन लिखेंगे, ओके, अ सैम इज अ पर्सन, ठीक है, वही पर्सन है, ठीक है। फिर देखो ये थोड़ा मिट गया था, ठीक है। फिर है ओ हैन इज ए, यानी जो मुर्गी है वो क्या है, एक पर्सन है, नो, प्लेस है, नो, थिंक है, नो, वो एक एनिमल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एनिमल लिख देंगे, एनिमल, ओके, और हैन इज अ एनिमल, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट,
और चेयर इज ई, यानी जो चेयर है वो क्या है? वो है एक पर्सन है, नो एनिमल है, नो प्लेस है, नो जो एक चेयर है वो क्या है? एक थिंक है, ठीक है, दिस इज अ वस्तु, थिंक है। तो हम यहाँ पे थिंक लेते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, अ हाउस इज ए, यानी जो एक घर है वो क्या है? पर्सन है, नो एनिमल है, नो प्लेस है, नो वो एक थिंक है, अ हाउस इज अ थिंक, ठीक है। ओके, अ हाउस इज अ थिंक, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, अ पेंसिल इज अ, ठीक है, यानी जो एक पेंसिल है वो क्या है? पेंसिल क्या है? पर्सन है, नो एनिमल है, नो प्लेस है, नो तो क्या है? वो एक थिंक है, वस्तु है, ठीक है, थिंक, ठीक है। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।